जहीन आलाप इले 12th क्लास स्टूडेंट्स टुडे वी अवर टॉपिक इन अ बायोलॉजी इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स। तो हमारा आज का टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स, मतलब लोअर प्लांट्स में किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हम आज समझेंगे। तो लोअर प्लांट्स कौन से होते हैं? जनरली लोअर प्लांट्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, जिनका बॉडी जो होता है स्टेम रूट्स और लीव्स में क्या होता है, डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। और जो होता है ये जो लोअर प्लांट्स होते हैं इनकी स्ट्रक्चर जो क्या होती है, थोड़ी सी सिंपल टाइप की होती है। लोअर प्लांट्स के अकॉर्डिंग जो है आते हैं एल्गी फंगस ब्रायोफाइटा डेंड्रोफाइटा, ठीक है। ये सभी क्या होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं। तो एल्गी तो आपको पता है कि वाटर में रहती है, ठीक है। इसी प्रकार फंगस होती है ये ब्रायोफाइटा जो कि बारिश के दिनों में जो है गीली दीवारों पर जो है उगते हैं वो ब्रायोफाइटा होते हैं, ठीक है। ये ग्रीन होते हैं, ठीक है। तो गीली और नम दीवारों पर वॉल्स पर क्या होते हैं, उगने वाले ब्रायोफाइटा और डेंड्रोफाइटा जो है पाए जाते हैं। ये सभी क्या होते हैं, लोअर प्लांट्स होते हैं। इन लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में जो एल्गी होती है जनरली सभी क्या होते हैं, मेल और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के या सेक्स यूनिट के मिलने से जायगोट बनता है और जायगोट के डेवलपमेंट से क्या होता है, नया जो है ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। इस प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें मेल यूनिट्स और फीमेल यूनिट्स होते हैं फ्यूज होते हैं और जायगोट बनाते हैं, इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होता है उसे हम ओगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो लोअर प्लांट से एल्गी फंगस और ब्रायोफाइटा में भी ओगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, इसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मेल यूनिट और फीमेल यूनिट मिलकर जायगोट बनाते से ओगैमस प्रकार का रिप्रोडक्शन करेंगे। जनरली जो एल्गी होती है, एल्गी जिससे फॉर एग्जांपल उडोबोनियम, तो उडोबोनियम एक प्रकार की ग्रीन एल्गी है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। ये ग्रीन एल्गी उडोबोनियम में जो फीमेल सेक्स जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उस फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है एल्गी में उडोबोनियम जो होता है उसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडियम कहेंगे, ठीक है। सॉरी उडोबोनियम में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रेडिया कहेंगे एंथ्रेडिया, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे ओगोनिया कहते हैं, ठीक। तो जो एल्गी होती है उडोबोनियम नाम की उसमें जो फीमेल होता है वो ओगोनिया कहलाता है और मेल जो होता है वो एंथ्रेडिया होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो है पॉलीसाइकोनिया ये भी प्रकार का एल्गी है, ठीक है। पॉलीसाइकोनिया जो एल्गी होती है उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम होता है स्पर्मेटोगोनियम और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम है कार्पोगोनियम, ठीक है। तो मेल स्पर्मेटोगोनियम और फीमेल जो होता है कार्पोगोनियम रहता है, ओके। इस प्रकार से ये एल्गी के एल्गी में पाया जाता है। अब हम लोअर प्लांट के अकॉर्डिंग जो ब्रायोफाइटा होते हैं, ब्रायोफाइटा टेंडोफाइटा, ठीक है। तो ब्रायोफाइटा टेंडोफाइटा में क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन को इस प्रकार से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है इसको एंथ्रेडियम कहते हैं, ये मेल होता है, मेल सेक्स यूनिट होती है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है, जो एंथ्रेडियम होता है, एंथ्रेडियम जो होता है इस प्रकार से ये क्लब शेप होता है, ठीक है। एंथ्रेडियम के अंदर बहुत सारी जो है एंथ्रोसॉइड मदर सेल पाए जाते हैं। एंथ्रेडियम क्लब शेप का इस प्रकार से होता है एंथ्रेडियम, ठीक है। और इसमें अंदर की तरफ क्या आती है, एंथ्रेडियम मदर सेल्स एंथ्रोजॉइड मदर सेल पाई जाती है। ये एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स जो होती है आगे डेवलप होकर बहुत सारे एंथ्रोजॉइड्स बनाती है। एंथ्रोजॉइड्स होते हैं इस प्रकार से जो है प्लीजिला वाले होते हैं जो कि पानी में स्विमिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एंथ्रेडियम होता है एंथ्रेडियम के आसपास इस प्रकार से क्या जैकेट होती है, ये जैकेट से क्या होता है गिरा रहता है। जब क्या होता है एंथ्रोजॉइड इसके अंदर पूरी तरह से बन जाते हैं तो जैकेट फट जाती है क्रश हो जाती है और एंथ्रोजॉइड होते हैं वाटर में बाहर आकर के वाटर में स्विमिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। ये भी एंथ्रेडियम है और ये भी एंथ्रेडियम, इससे क्या होता है सेल से आगे सेल डेवलप होकर एंथ्रोजॉइड का क्या करती है फॉर्मेशन।
फंक्शन करते हैं। जितने करप्शन होता है उसके आसपास जैकेट सिक्योरिटी से सेल होती है, ठीक है, जैकेट सेल फटने का इंसाइड बाहर आ जाता है। अब नेक्स्ट है आर्किमोनियम। तो ब्रायोफाइटा और अदर प्लांट्स जो फीमेल से सेल होता है वो आर्किमोनियम कहलाता है, आर्किमोनियम होता है ये फीमेल से सेल। आर्किमोनियम होता है इस प्रकार से फ्लास्क शेप्ड का होता है, ठीक है, तो जिसका निचला भाग होता है फूला हुआ होता है जिसे वेक्टर कहते हैं, और जो उसका आगे वाला भाग उसका लंबा पाया जाता है जिसे नेक कहते हैं। मतलब वो जो आर्किमोनियम होता है आर्किमोनियम में नेक और वेक्टर में डिवाइड होता है, ठीक है। क्या होता है जब स्विमिंग करके एंथ्रोसॉइट्स आर्किमोनियम के पास आते हैं, इन मेल जो सेक्स यूनिट है इसे एंथ्रोसॉइट करेंगे, ये एंथ्रोजॉइट जो है वो पानी में स्विमिंग करके आर्किमोनियम के पास जाते हैं, क्योंकि एंथ्रोजॉइट रहते हैं वो मोटाइल होते हैं, है ना। आर्किमोनियम जो होता है उसमें एक बड़ा एग रहता है जो कि नॉन मोटाइल रहता है, हमेशा एंथ्रोजॉइट फीमेल के पास जाते हैं और यहाँ पर नेक वाले भाग से अंदर एंटर करते हैं। जब एंथ्रोजॉइट अंदर जाते हैं तो ये जो नेक वाला भाग होता है क्लियर हो जाता है, ठीक है, एक प्रकार का म्यूसिलेजिनस या चिकना पदार्थ प्रोड्यूस होता है, यहाँ से ये पूरे अंदर का भाग डिस्टर्ब हो जाता है, एंथ्रोजॉइट अंदर चले जाते हैं और जो एग है एग के पास में आ जाता है। तो आर्किमोनियम का एग जो कि फीमेल न्यूक्लियस है वो एंथ्रोजॉइट के मेल न्यूक्लियस से फ्यूज होता है और जायगोट बन जाता है। इस प्रकार से क्या होता है फर्टिलाइजेशन होता है और इस प्रकार का रिप्रोडक्शन उस प्रकार का रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो जो आर्किमोनियम फ्लास्क शेप्ड का है, वेंटर नेक और वेंटर में डिवाइड है ना, वो वेंटर में इसके नेक पाया जाता है और जो एंथेरिडियम एंथेरिडियम में एंथ्रोजॉइट बनते हैं वो एंथ्रोजॉइट वाटर में स्विमिंग करके जो है आर्किमोनियम के पास जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है लोअर कैटेगरी के प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें हमको क्या करना है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के नाम याद रखना है और उनकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। ओके, जेगिन ऑल ऑफ यू, इट इज़ अ वेरी शॉर्ट टॉपिक टुडे, इसको क्लियर करेंगे हम उसमें स्टडी करके। जय हिंद।